अनुसूचित जाति के कार्यकर्ता की हुई बैठक। अजमेर लोकसभा उपचुनाव में भाजपा को जिताएंगे भारी मतों से। बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति के लोग बैठक में हुए शामिल। शनिवार को अनुसूचित जाति के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई। बैठक में अजमेर लोकसभा उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए। चुनावी जंग से पहले इस बैठक में अनुसूचित जाति के लोगों ने भाजपा को भारी मतों से विजय दिलाने का संकल्प लिया। आज अजमेर लोकसभा के उपचुनाव के अंदर अजमेर उत्तर दक्षिण के अनुसूचित वर्ग के रैगर समाज के मुख्य लोगों की बैठक ली। उस बैठक के अंदर रैगर समाज के लोगों ने विश्वास दिलाया कि आज अजमेर के अंदर रैगर समाज अनुसूचित में बहुत बाहुल्य संख्या में है। समाज ने मुझे आश्वास दिया कि आपके नेतृत्व में हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे और माननीय सावनलाल जी की जो सीट है उनके जो बच्चे रामसिंह जी लांबा जी चुनाव लड़ रहे हैं उनमें उनके पक्ष में मतदान करके उनकी भारी मतों से दिलाएंगे और हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी को मजबूत करेंगे ताकि आने वाले समय में उनका प्रदेश में एक बहुत अच्छा मैसेज जाए और उनके द्वारा जो किया गया विकास कार्य है वो सभी तक पहुंच पाए। ये चीज़ को लेकर हमने एक समाज की आज मैंने बैठक रखी है और सारा समाज ने मुझे इसका आश्वस्त किया और समर्थन देने की विश्वास दिलाया। सर आपका परिचय? मैं विकेश खोलिया, राजस्थान अनुसूचित आयोग उपाध्यक्ष, स्टेट मिनिस्टर राजस्थान सरकार।